डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी का जनपद महाराजगंज, संत कुमार सिंह उर्फ बबलू को कांग्रेस पार्टी ने महाराजगंज का नया जिलाध्यक्ष बनाया है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद संत कुमार सिंह बबलू आज पहली बार जिले में आए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संत कुमार सिंह बबलू ने एक कार्यक्रम जिला परिषद मार्केट में किया, जिसमें उपस्थित सभी कांग्रेसियों का स्वागत करते हुए सरकार के विरोधी और दमनकारी नीतियों के विरोध में एकजुट होने के लिए सबका आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संत कुमार सिंह बबलू ने कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की बात कही। इससे पहले नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने नगर चौक के सक्सेना जी की मूर्ति और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। वर्तमान में सरकार सारी संपत्तियां, सारे विभाग, माननीय मोदी जी ने कहा था कि फ्री में हम कोरोना इंजेक्शन सारे जनता को लगवाएंगे, लेकिन अब उन्होंने घोषणा किया है कि 250 रुपया आप दीजिए और चिकित्सा लगवाइए। इसके पहले भी माफी सरकार हो गई, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, रोज हत्याएं और रेप हो रही है, इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री लल्लू जी ने जिला अध्यक्ष के दायित्व मुझको दिया है। इस विषम परिस्थिति में दिया है, पंचायत का चुनाव सन्निकट है, उनके दिए गए दायित्व को निर्वहन का प्रयास पूरी तरह से करूंगा। पूरे जिले के कांग्रेस को संगठित करने का प्रयास करूंगा और एक मजबूत कांग्रेस महाराजगंज में दिखाई देगी। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।